258 जैसे कहीं जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करते हैं, देन वो अर्थ एलिमेंट है, तो वहाँ पे माँ पार्वती और गणेश जी है, तो ऑब्वियस गणेश जी से शुरुआत होती है, देन माँ पार्वती वो एनर्जी है, मतलब उनसे ही बाकी सब एनर्जी को लाइट सपोर्ट मिला है, राइट, बिकॉज शी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसके लिए उनका रूट में होना ऑब्वियस इट इज़, मतलब लॉजिकली आप देखोगे तो ये आपको कनेक्ट हो ही जाएगा कि यस शी इज़ द बेस, और गणेश जी से हम स्टार्ट करते हैं, वंदन करते हैं, देन ऑब्वियस वो पार्ट वो रूल करते हैं, देन इट इज़ एक्सेप्टेबल बाई अस। देन जो नेक्स्ट चक्र आता है सैक्रल चक्र, वहाँ पे वाटर पोर्शन, तो आपका जो बेली के नीचे का पोर्शन रहता है, यूटेरस का पोर्शन रहता है, राइट, वहाँ पे ही वाटर रहता है ना, मतलब हमारा इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वाटर पार्ट प्ले करता है। देन वहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया किसको डिनोट करता है, सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी को, राइट, जैसे कि वो पार्ट में ब्रह्मा जी है जो क्रिएशन का सोर्स है, देन ऑब्वियस अगर कोई प्रेग्नेंट होता है लेडी देन वहाँ पे ही उसका बेस रहेगा, क्रिएटिविटी हम जो भी करते हैं क्रिएशन पे करते हैं, देन वो भी पर्टिकुलर किससे होता है क्रिएटिविटी, हम विद्या जो कहते हैं वो कहाँ से आती है, माँ सरस्वती से आती है, राइट। सो ये पार्ट का वहाँ होना ऑब्वियस एक्सेप्टेबल होता है। एज अ न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वन जो नंबर है कनेक्ट करता है प्लस वाटर, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाता है। तो अगर क्रिएशन है वो पर्टिकुलर, तो सन जो एनर्जी रहती है, सन क्या करता है, लीडर रहता है, क्रिएटिविटी का हाइट रहता है, राइट, बिकॉज ऊर्जा जो भी मिलती है हमें सन से मिलती है, सन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म लाइक एनर्जी, राइट। तो अगर वो क्रिएशन के पार्ट में है, जो भी क्रिएटिविटी हम करते हैं या फिर एक न्यू बॉर्न बर्थ होता है, देन उनका वहाँ होना वो नंबर रिप्रेजेंट करना इट्स क्वाइट यस, ये मैच हो जाता है। देन सोलार प्लेक्सस जो है मणिपुरा, वहाँ पे महालक्ष्मी और विष्णु जी का है, जो कि विजडम एंड पावर का, वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी मेमोरीज स्टोरेज रहता है, हमारा ओल्ड मेमोरीज न्यू मेमोरीज लाइक जो भी मतलब मेमोरी स्टोरेज जो मोस्टली होती है वो सोलार प्लेक्स चक्रा के यहाँ पे होती है। और जब हम उच्चारण करते हैं ओम का, वहाँ पे भी बेली के वहाँ से हम लोग जो साउंड निकालते हैं, देन आ ओम वो पर्टिकुलर मतलब एक क्रिएशन को है ना, मतलब ओम का जब हम चैंट करते हैं जो फर्स्ट वाइब्रेशन जो रिवर्ब्रेशन रहता है वो आ जो आता है वो बेली से आता है, नाभि से आता है, जो विष्णु जी से कनेक्टेड है। और विजडम पावर जो है मतलब ये लोक जो अर्थ है वो संभालते करता धरता कौन कहते हैं हम, महालक्ष्मी और विष्णु जी भूलों के संभालते हैं, राइट। तो अगर उनका क्रिएशन है तो ऑब्वियस उनका वहाँ पे होना जायज़ है, बिकॉज वो मेमोरी का प्लेक्सिस है सोलार प्लेक्सिस, और मतलब जो पास्ट लाइफ का जो भी रहता है कनेक्शन, या फिर हम जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं कट होता है नेवल, वो भी वहीं से है ना, तो यानी महालक्ष्मी विष्णु जी का वो पार्ट है। या प्लस वहाँ पे एज अ न्यूमेरिकली देखे तो 9 नंबर आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फायर, मतलब मार्स एनर्जी का, मतलब क्या जो एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा देता है, राइट, मतलब एनर्जी हमारा ज़्यादा रहता है, प्लस वो पार्ट में फायर एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। वो पोर्शन जो है फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और हमारी जटार अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर वो भी वहीं रहती है, राइट। और न्यूमेरिकली देखिए तो फिर 9 नंबर वहाँ पे आ जाता है एज अ एलिमेंट के वाइज से, तो ये भी कनेक्शन हो जा रहा है वहाँ पे इसके लिए। और ये भी पार्ट है मुझे, अच्छा मैं इसमें बता देती हूँ कि मतलब हमेशा हमें ना तीन ऐसा कम खाना चाहिए, एटलीस्ट 3 मॉर्सल या फिर 3 स्पून, बिकॉज ये लॉजिकली मतलब आपको एक्टिव रखेगा, मतलब आप टाइप्स ऑफ फूड खाओगे जैसे कि आपने कुक्ड मील खाया, मीट खाया, या फिर फ्रूट्स खाया, ताज़ा ताज़ा किया हुआ खाया, या फिर थोड़ा सा लेट वाला खाया, आप किस एनर्जी के साथ खा रहे हो ना, ये पर्टिकुलर हर एक ना आपको फूड खाने के बाद वो एनर्जी क्रिएट करके देगा, मतलब आप डिफरेंस देखोगे। और ये होता है ऑब्वियस, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं बट मैंने सोचा था, और जब सिचुएशन आती है जब हम कनेक्ट कर देते हैं देन वो कनेक्ट हो जाता था। सो अगर आप ये चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपको भी इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। साथ ही साथ एक पॉडकास्ट में रणवीर जी के साथ जो मैम का पॉडकास्ट था उसमें शी शेयर्ड वहाँ पे
कि अगर हम पेट भर के खाते हैं ना, देन हमारा खाना खाने के बाद ना कुछ सर्टन्स निकलते हैं लिक्विड्स, लाइक उन्हें स्पेस नहीं रहता वर्क करने के लिए, देन हमारा पेट का साइज जो एक्सपांड हो जाता है। तो इसी के लिए भी आपका पेट बढ़ता होगा, अगर जिनको कंप्लेंट्स है कि हमारा पेट बढ़ता है, देन ये वजह है, आप पेट भर के खा रहे हो और उसके बाद जो लिक्विड्स को फ्लो होना रहता है उन्हें जगह नहीं है, तो पेट का साइज आपका एक्सपांड कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप वैसे पेट भर के खाओगे देन अगेन इट हैपन्स, तो आपका पेट बढ़ते बढ़ते जाता होगा, अभी आपको ये कनेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे योग में हम कह रहे हैं आपको कि आप 3 मोर्सेस कम खाओ, देन इसका लॉजिक आपको अभी समझ आ रहा होगा कि ओके ये मुझे 3 मोर्सेस इसके लिए कम खाना अच्छा रहेगा, और इनडायरेक्टली आपको वो एक्टिव भी रख रहा है। अब फिर आप जो खा रहे हो उसका डाइजेस्टिव का जो टाइमिंग रहता है अलग अलग रहता है, जो फ्रूट्स रहता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बाकी का जो कुक्ड रहता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और जो मीट रहता है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है डाइजेस्ट के लिए। इसके लिए कहा जाता है कि सर्टन टाइम के अंदर खाओ, सनसेट ज़्यादा शाम को, मतलब लेट इवनिंग मत करो, बिफोर स्लीप 4 घंटे पहले ही आप खाया करो, ताकि आप डाइजेशन शाम को स्लो होता है, सो इट इज़ ऑल द सिनेरियो कि आपको शाम के पहले खाना लेना चाहिए, मतलब 7-8 बजे तक खा लीजिए मैक्स टू मैक्स, और मॉर्निंग का 11-10 डिपेंड्स आपको जो कन्वीनियंट लगे। फिर बीच में फ्रीक्वेंटली गैप कितना रख रहे हो आप, 4 घंटा हो रहा है तो 8 घंटे का, मतलब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो स्पेस देना आपको इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अगर अच्छा रहना है तबीयत से, देन आपको सेलुलर लेवल तक जो है अगर काम होना रहता है आपके ऊपर, देन इट इज़ नीडेड कि आप आपके बॉडी को फ्रीक्वेंट ब्रेक दो, ताकि वो अपना इंटरनल फिजिकल जो डॉक्टर है इंटरनल, वो खुद से काम कर सके। ओके, देन मैंने वही कहा कि सोलार प्लेक्सस, यहाँ पे हमारा जो है माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का है, तो वहाँ से विजडम एंड पावर हमारा रहता है। सन पेट का कितना कनेक्टेड है ना, आपको अभी ये समझ आया होगा। देन गोज टू द हार्ट, अनहाता चक्र जो रहता है वहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी का है, जो वहाँ पे लव और हीलिंग रहता है। देन थ्रोट चक्र जो है विशुद्धि, वहाँ पे कृष्णा जी एंड राधा माँ है, जो कम्युनिकेशन का स्पेस है, मतलब देखिए रूट चक्रा जो है अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है, यानी आपका मूल है वो आपका। देन जो चक्रा है सैक्रल, वो वाटर है, वाटर हमारा बॉडी में 72% तक का है, मतलब जो इमोशंस जो रहेगा आपके पास वो पर्टिकुलरली वैसा प्ले करेगा, राइट। उसके बाद जो है फायर, मतलब जो भी आपके पास इमोशन है उसका फायर कितना है आप में। देन अनहाता जो हार्ट चक्र है वहाँ पे एयर है, यानी स्पेस है, और माँ पार्वती और शिव जी का है, ये एरिया डिनोट करता है लव और हीलिंग को, यानी ऊपर के जो चक्राज है नीचे को जो चक्राज है उन दोनों को कंबाइन जो स्टार होता है ना, वो यही पोर्शन पे कंबाइन होता है जो माँ पार्वती और शिव जी के कनेक्शन में, मतलब ये चक्रा पे होता है। उसके बाद जो है विशुद्धि यानी थ्रोट चक्रा, वो है राधा माँ और कृष्ण जी का है, जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है साउंड, उसका कलर जो है ब्लू है, मतलब आपको मूल से जो है जुड़े रहना है, जैसे कि अर्थ एलिमेंट से। देन वाटर आपका परसेंट कितना है, 72, देन वो पर्टिकुलर परसेंट में आपका आप में क्या फीलिंग्स है, राइट, वो पर्टिकुलर। फिर उसका फायर कितना है आप में कुछ भी क्रिएट करने का, या फिर कुछ भी जो हम चाहते हैं कि हमें ये करना है उसका फायर कितना है। देन आपका लव और हीलिंग कितना हो रहा है, जो कि हम स्पेस कितना दे रहे हैं खुद को, राइट, और फिर हम कम्युनिकेट कितना कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन का ऑब्वियस साउंड है। बाद में हमारा थर्ड आई जो अग्नि है, वहाँ से अवेयरनेस कितना है हमारा, और ऊपर का जो है क्राउन जो सहस्त्र आ रहा है, जो अगेन द होलसम है। किसी में क्या होता है ना, हर चक्रा बैलेंस होता है, या फिर कभी कभार वो स्पेस ज़्यादा वाइडनेस, मतलब वो पर्टिकुलर चक्रा की एनर्जी ज़्यादा ओपन रहेगी तो थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट करेगी, और किसी का वो क्लोज लाइक रहता है, मतलब उतना ओपन नहीं हुआ रहता है। सो ये पार्ट्स है उसके, तो अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चक्रा की। अब इन्हें आपको इसमें गाइडेंस दिया है, इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, बट आप पर्टिकुलरली इस पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, वो अपने आप होता है। आप जिस भी डेटी पे बिलीव करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ले, मतलब जो काम होता है वो करते हैं, आपको उतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आप खुद से मत करने जाओ, बस मेरा इतना ही कहना है। बिकॉज
आप उन पर ट्रस्ट करते हो ना, तो रखो ट्रस्ट कि वो अपने आप संभाल लेंगे। आपको सिर्फ मैं ये नॉलेज रहना इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अगर आप भी आपको पता रहेगा ना कि ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है, इसका क्या महत्व है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, देन आपको आपके बिहेवियर से समझ आता होगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, आप कहाँ पे सही हो, या फिर आपका टिकमा का आपको करने को इजी हो जाएगा। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी अगर करते हो देन इट इज़ गुड। हमारे सर के ऊपर क्या रहता है, बाल रहता है, राइट। तो हमारा बाल में जो भी आप प्रार्थना करोगे, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो एनर्जी आपकी जो है ना वहाँ पे स्टोर होती रहती है, आपके बालों में स्टोर होती रहती है। तो इसी के लिए सडन कोई बाल काटते हैं देन वो भी एक अलग पार्ट होता है। ये मेन है कि आप जो भी काम करते हो, आप जितनी भी साधना करते हो ना, आपकी एनर्जी जो है ना आपके बालों में सेव होती रहती है। सो आपने देखा होगा, आप जब बाल काटते होंगे देन आगे आपको थोड़ा सा लाइट हल्का हल्का फील होता है, राइट। मतलब एनर्जी कनेक्टेड है वो एनर्जी को ना, मतलब उसमें एनर्जी आपकी स्टोर्ड रहती है। इसके लिए कहा जाता है कि वो बांध के रखा करो, इट इज़ मतलब अगर आप उसको बांध के रखोगे देन इट इज़ गुड, अच्छा रहता है। तो अगर देखोगे आप जो ये रहेंगे वो कैप पहनते रहेंगे या फिर पोर्शन में ऊपर कुछ पहनते रहेंगे ताकि वो एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि ड्रेडलॉक रहता है या फिर सर के ऊपर कुछ रखते हैं। तो ये मैंने सद्गुरु से समझा था, सो इट वॉज अगेन द समथिंग इनसाइटफुल। प्लस जो भी बाल पूरा शेव करते हैं वो डिटैचमेंट के इसमें रहते हैं, एक ये भी पार्ट मैंने सुना था, ये कहीं से अलग सुना था मैंने। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। तो आई होप मैंने आपको कोई प्रॉपर बता दिया है, जितना मुझे पता था मैं समझा पा रही थी, मैंने उतना समझाया आपको। सारी चीज़ें कनेक्टेड है। साथ ही साथ जैसे कि अगर हम पाम में चेक करें ना, तो जो इंडेक्स फिंगर है हमारा और थम, कॉन्शियस सबकॉन्शियस हम ध्यान की मुद्रा में ये करते हैं, देन वो इंडेक्स फिंगर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये आपका जो थम का पोर्शन रहता है नीचे वाला, वो वीनस को रहता है प्रेजेंट करता है। मिडल फिंगर जो रहता है शनि का रहता है। रिंग फिंगर जो रहता है सूर्य का रहता है। बुध उसके नीचे का जो फिंगर रहता है, इंडेक्स पिंकी फिंगर या फिर लिटिल फिंगर आप कह लो, वो बुध रिप्रेजेंट करता है। देन मतलब ये इतना सारा कनेक्टेड रहता है आपके हाथ में, सूर्य चंद्र का, राहु केतु एंड वीनस एंड ऑल, मतलब हम लोग इतने इंटरलिंक्ड है ना। तो आप जब कहते हो ना कि आपके पास ये नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं है आपके पास, फ्रीक्वेंसी शायद मैच नहीं होती होगी जो आपको लगता है कि वो होनी चाहिए। ऑब्वियस होता है कि हमारे पास जो नंबर नहीं रहता है उस पर्टिकुलर डोमिनेंट नहीं करता, जो रहता है वो डोमिनेंट करता है। तो ज़्यादा जो रहता है वो भी अलग हावी होता है, राइट। मतलब एक नंबर अच्छा है, दो नंबर अच्छा है, बट अगर डबल बार ट्रिपल बार अगर रिपीट हो रहा है देन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर्टन क्वांटिटी से अगर ज़्यादा है देन हार्म करेगा, कम है तो हार्म करेगा। तो बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं और नहीं होना भी नहीं अच्छा, तो आपको बैलेंस लाना है, राइट। तो अगर आप खुद पे वर्क करते हो, काम करते हो, देन बाय डिफॉल्टली वो नंबर की फ्रिक्वेंसी जो है आप में भरी जाती है। साथ ही साथ एक सर के पॉडकास्ट में ये भी सुना था कि हमारे पास अगर नंबर नहीं है, रणवीर सिंह के सर के पॉडकास्ट में मैंने सुना था, वो ट्रिनिटी का जो पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने अच्छा कहा था कि हमारे पास जो नंबर नहीं रहते हैं तो हमारे आसपास जो फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं उनके पास वो नंबर रहते हैं, तो उनकी तरफ से हमें वो एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट मिलती ही है। सो ही सेड समथिंग गुड वाइज देयर, सो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे कि रुद्राक्ष जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, देन बाकी जो भी क्रिस्टल्स रहते हैं जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज रहता है वो लव एनर्जी के लिए रहता है, देन सिट्रीन रहता है, ग्रीन एवेंचरन रहता है, देन एमेथिस्ट रहता है। ये पर्टिकुलर जो है क्रिस्टल्स रहते हैं ना पर्टिकुलर आपको सपोर्ट करते हैं। तो ब्लैक टर्मिनल रहता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया रहता है। प्लस क्लियर क्वार्ट्ज जो रहता है वो किसी के साथ पहनोगे देन उसकी वो एनर्जी बढ़ा देता है। देन जैसे कि कलर्स ऑफ द इंक रहते हैं, जैसे कि ग्रीन जो है वेल्थ हेल्थ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कनेक्ट करता है क्रिएटिविटी और फेथ को, पिंक क्रिएट रिलेट करता है रिलेशनशिप को, रेड एम्बिशन पैशन, ब्लैक प्रोटेक्शन का रहता है, ऑरेंज जॉय ऑप्टिज्म एक्साइटमेंट, पर्पल स्पिरिचुअलिटी का,
पिंक जो रहता है रोज स्क्वाड, जैसे कि रिलेशनशिप कहा मैंने, देन मनी का ग्रीन एवेंचरन रहता है ब्लैक टर्मलाइन प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी देखो, अभी ये कलर्स अगर आप चेक करोगे ना, और आपके कलर्स चक्रास के चेक करोगे ना, देन ये थोड़ा सा मैच हो जाएगा वहाँ पे भी। आप क्रिस्टल्स के कलर्स और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेक करोगे, देन वो भी आपको हेल्पफुल करते हैं। यानी बाकी आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हो ना, आपकी साधना करते हो, क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, या जो भी मेथड यूज़ करते हो, टेक्निक्स जो बताते हैं कोई, आप यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो आउटर कुछ पर्टिकुलर का, ताकि आपको नहीं हो रहा है आप पर्टिकुलर के लिए। तो आप जब खुद पे काम करते हो देन उतना पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपका कम होते रहता है। सो सपोर्ट के लिए लेना अच्छा है, बट साथ ही साथ आपको खुद पे काम करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वेसल उतना होल्ड कर सकता है जितना आप में होल्ड करने की कैपेबिलिटी हो, या फिर आप में अंडरस्टैंडिंग हो उतना सब। सिर्फ ध्यान रखना कि हर चीज़ कनेक्टेड रहते हैं, आप किसका यूज़ कहाँ तक कर रहे हो ये आपके ऊपर रहता है, ओके। बट एट लास्ट आपको खुद पे काम करना है, आपका वेसल इनफ स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना है, और जितना आपका वेसल क्रिएट होगा आप उतना आप में स्टोर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और ग्रेटफुल रहना ऑब्वियस ये आपका काम है, बिकॉज आपका जो भी है जितना भी है उनसे है, आपके परमात्मा से है, जो भी आपका ख्याल रखते हैं, राइट, उनका सब कुछ है। तो हम ये भी कहते हैं ना, मंदिर में हम माथा टेकते हैं तो हम सर झुकाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, नारियल डिनोट करता है हमारा सर, और जब हम माथा टेक रहे हैं देन वो राहु हम बो डाउन कर रहे हैं, राइट। यानी हम पूरा सरेंडर की एनर्जी में जब आते हैं देन कुछ मैजिक अनफोल्ड होता है, क्रिएट होता है। तो आप जो भी मेथड यूज़ करते हो ना, आप वो कीजिएगा, बट टेम्पररी मतलब उस पर पूरा डिपेंडेंट होल्ली आपको नहीं रहना है, आपको साइड बाय साइड आप पे भी वर्क करना है, आपका वेसल भी आपको उतना प्रिपेयर करना है। तो रेमिडीज़ कीजिए, टूल्स यूज़ कीजिए, करिए, अच्छी बात है, बट खुद पे काम करना ये आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए हमेशा। सो बी ग्रेटफुल, और जो भी आप सीखते हो समझता है आपको इम्प्लीमेंट करना, और लाइफ को मैजिकली अनफोल्ड करना, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड पता है, और जब आप सरेंडर में रहते हो देन बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो भी समझ आता है विद टाइम, जो आपको शायद अभी कुछ दिख नहीं रहा हो। सो जस्ट होपिंग यू ऑल, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी अनफोल्डिंग जर्नी, और इन्जॉय। थैंक यू एंड प्रणाम।